Please press the bell icon and never miss an update from the Daily Episode Network. Hello and welcome to Concept Garage by the Daily Episode Network. और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BMW XM कॉन्सेप्ट के बारे में, BMW की दूसरी एवर बिस्पोक M कार। और ये M कार के बारे में कुछ बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एक तो ये SUV है, दूसरे ये एक हाइब्रिड है। इसमें एक 4.4 लीटर का V8 आता है एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट एन इलेक्ट्रिक मोटर इज वेल। इट इज़ एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कार और ये सेलिब्रेट करती है BMW M डिवीजन के 50 साल, जो कि कंप्लीट होने वाले हैं 2022 में, एंड दैट इज़ व्हेन दिस कार इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च। इट इज़ एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक, लुक्स ग्रेट ऑन द रोड एंड हैज 750 हॉर्स पावर। सो वी आर एक्साइटेड टू सी कि ये गाड़ी क्या क्या लाती है। इस गाड़ी का जो टारगेट है वो कम्पीट करना है विद द Audi RS Q8, द Porsche Cayenne Coupe एंड द रेंज रोवर स्पोर्ट SVR। जो BMW XM है, it is basically derived from the BMW X7. It is effectively an X8 अगर आप BMW के ट्रेडिशनल नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें, लेकिन इसका एक मोर रेकिश डिजाइन है, कूपे स्टाइल वर्जन है ये as compared to its earlier SUVs. तो इस वजह से it will be sold solely as an M car, the first and only BMW since the seminal M1 supercar of 1978. इस गाड़ी की एक bespoke styling है, ड्राइव ट्रेन हार्डवेयर है और टेक्नोलॉजी है जो कि इसकी क्रिएशन और पोजिशनिंग को जस्टिफाई करती है। एंड दिस कार डिपार्ट्स मच फर्दर इन इट्स स्टाइलिंग फ्रॉम द मॉडल ऑन विच इट्स बेस्ड दैन द X4 एंड X6। इसके बाद अगर हम बात करें इस गाड़ी के डिज़ाइन की और इसके इंटीरियर की, तो इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एंगुलर है, काफ़ी डिस्टिंक्टिव है। यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज दिस कार फ्रॉम अ माइल अवे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये BMW की M सब ब्रांड की गाड़ी है और ये सिर्फ M ब्रांड के ही थ्रू बिकेगी। इसका कोई भी नॉर्मल BMW वेरिएंट नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस गाड़ी के आगे ग्रिल में देख सकते हैं द रीइमेजिन्ड किडनी ग्रिल एंड फ्रेम्ड विद LEDs। हेडलाइट्स जो है इस गाड़ी की वो स्प्लिट डिज़ाइन में आती हैं और एक स्लिम LED स्ट्रिप जो है इनके नीचे रन करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट टू टोन पेंट फिनिश आपको मिलता है, जिसमें मैट ग्रे आपको लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक मिडिल में मिलेगा एंड देयर शुड बी अ कॉपर और एन ऑरेंज और व्हाटएवर कलर यू लाइक फिनिश ऑन द टॉप ऑफ द कार। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो M1 के बाद ये गाड़ी जो है वो पहली ऐसी गाड़ी है जो कि हेक्सागोनल एग्जॉस्ट के साथ, एल शेप LED टेल लाइट के साथ, यू नो इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड कम्प्लीटली कस्टम। इट्स अ बिस्पोक BMW। इट्स ऑल्सो द सेम साइज एट दी X7 और X7 का जो विड्थ है, जो लेंथ है, इट्स ऑल वेरी ह्यूमंगस। इसकी लेंथ इज ओवर 5 मीटर्स, सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग ऑफ अ कार दिस इज। इस गाड़ी का एक अलग बहुत इंटरेस्टिंग फीचर एक ये भी है कि इस गाड़ी को पोजिशन करा जाएगा एज अ लग्जरी SUV प्लस अ स्पोर्टी वन। तो जो BMW के बॉस हैं उन्होंने ये बोला है कि जो M कार ओनर्स हैं वो बार बार लग्जरी मांग रहे हैं कि इस गाड़ी से हमें लग्जरी चाहिए बट परफॉर्मेंस भी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट न्यू स्ट्रैटेजी बीइंग कैरिड थ्रू टू प्रोडक्शन। और BMW के डिजाइन बॉस ने इस मॉडल को डिस्क्राइब करा है एज एन एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट बाय BMW M इन द हार्ट ऑफ द लग्जरी स्टेटमेंट। इसका जो लग्जरी इंटीरियर है इट फोकसेस on the richer material जो कि इसमें यूज हो रखे हैं, including the vintage brown leather for the front and back में एक teal diamond velvet है, seats हैं और कॉपर और कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल हो रखा है। सो बेसिकली आगे से ये गाड़ी थोड़ी स्पोर्टियर लगेगी और अगर इसका रेयर एंड देखें तो ये गाड़ी काफी लग्जूरियस लगेगी, जिसको आप कह सकते हैं दी M लाउंज। So actually that's a very interesting feature. इसी के साथ साथ इस गाड़ी में 23 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं and that is on the concept car of course. Let us see कि रोड पे वो किन व्हील्स के साथ आती है। We are super excited to see that. Apart from that, इस गाड़ी का जो प्रोडक्शन है it is going to be the first hybrid vehicle from BMW's M division and that is extremely interesting. क्योंकि BMW ने भले इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना बताई हो हमें, मगर we know for sure that it will be powered by a single high performance electric motor. And it will be mated to an 8-speed automatic gearbox that will drive all the four wheels. Apart from that, it gets 20 kilowatt hours of power, somewhat greater than that also. But एक जो electric range होगी इस गाड़ी की, that might be disappointing. It's only 80 kilometers. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सिस्टम जो है ये 750 horsepower और 995 Newton meters of torque, यानी कि लगभग 1000 Newton meters of torque पे rated है. Apart from that, this is the most powerful BMW road car yet. So that makes it very, very special, and it is destined for more M cars. So basically more M cars like the X6 M, X5 M, M8, ये सारी गाड़ियाँ भी electrify होने वाली हैं। तो क्या लगता है आपको BMW electrify होने के बाद कैसा brand बनेगा? Would you like to buy an electric BMW? Exactly, and I think इस गाड़ी के आने के बाद you know, it will be the first approach for the brand to become a step-by-step electrification. हाँ, और we think that the BMW's electric future is pretty bright. So what do you think? Let us know in the comment section below. Leave a like on this video if you found it informative. Share this with your fellow automobile enthusiasts. And subscribe the channel. Thank you for watching.